टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रुपये में गिरावट के बाद आयात महंगा होने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोमवार को सरसों, मूंगफली तेल तिलहन, सोयाबीन तेल और बिनौला तेल की कीमतों में गिरावट आई। बाजार सूत्रों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज और शिकागो एक्सचेंज में भी हल्की हल्की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन बाजार में खाद्य तेलों में गिरावट आई है, जिसकी वजह शिकागो एक्सचेंज नहीं, ना ही मलेशिया एक्सचेंज, बल्कि ऊंचे भाव पर मांग प्रभावित होना है। पिछले दो कारोबारी सत्रों में रुपये में गिरावट रहने से आयात महंगा हो गया, जिससे गिरावट को और बल मिला। सूत्रों का कहना है कि विदेशों में यदि खाद्य तेलों के भाव लुढ़कते हैं तो ऐसी स्थिति में भी सरकार को अपने किसानों के बचाव में उतरना होगा और स्थिति पर पैनी नज़र बनाए रखनी होगी। ऐसा करना तिलहन उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे उपायों से किसान का भरोसा बढ़ेगा। विदेशी तेलों के महंगा होने के बाद जिस तरह से सरसों का रिफाइंड बनाने पर जोर है, उससे आगे जाकर सरसों के मामले में दिक्कत आ सकती है, और इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हाफेड बाजार भाव पर खरीदकर सरसों का स्टॉक तैयार कर ले, जो आगे जाकर संकट के समय मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल, जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।